जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए, जो कि साधना में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सबसे पहली बात कि अप्सरा साधना में या यक्षिणी साधना में या कोई भी गंधर्व कन्या साधना में आप जब साधना शुरू करते हैं, तो फिर साधना में पहले तो अनुभव बहुत तीव्रता के साथ आते हैं। या फिर आप साधना नहीं भी शुरू करते हैं, आपने सिर्फ वीडियोस देखे या वीडियो में ही देख करके आपने उनका चिंतन किया, चाहे अप्सरा का चिंतन किया हो चाहे यक्षिणी का चिंतन किया हो, और तुरंत ही आपको अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, आपके साथ में अनुभव आने लगते हैं। जैसे कि उनका सपने में दिखाई देना, किसी लड़की का दिखाई देना, या फिर राह चलते किसी लड़की से परिचय हो जाना, इस तरह की घटनाएं साथ में होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है कि जब आप साधना करते हैं तो प्रथम तो आपको साधना में बहुत सारे अनुभव आने लगते हैं, लेकिन साधना धीरे धीरे आप आगे बढ़ाते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि अनुभव आपके खत्म हो जाते हैं। तो ये जो वाकया है, ये क्यों होता है, क्या कारण है इसका? अप्सरा साधना में गंधर्वों की पूजा क्यों विशेष महत्व रखती है, कारण क्या है? आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और इसका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि देखिए, मैंने आपको एक फोटो डाल करके मैसेज भेजा है कि मैं जल्दी ही आपके सामने ऑनलाइन आने वाला हूं, क्योंकि मुझसे बहुत टाइम पहले से ही ये कहा जा रहा है और लोग कहते भी हैं कि जी आप ऑनलाइन क्यों नहीं आते हो, या फिर ऐसा भी बोलते हैं मैसेज करके कि हमें सिर्फ आपको देखना है। लेकिन मैं कभी ऑनलाइन नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर जो लोग मुझसे बहुत टाइम पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है, उन्होंने भी वीडियो के बीच में मेरे फोटो देखे हैं, एक दो वीडियो में मैंने अपना फोटो डाला है, और जिनको समझ थी वो समझ गए उस चीज़ को, जो जिनको नहीं समझ थी वो नहीं समझ पाए। यानी जिसने दिल से देखा वीडियो को, दिल से याद किया, वो समझ गए, और जिन्होंने सिर्फ वीडियो ही देखना है और कोई आगे कोई मतलब नहीं है, वो नासमझी में ही रह गए, उनको पता नहीं लग पाया। अब बात आती है कि मुझसे एक जगह पूछा था किसी ने कमेंट करके कि आपने अपना पूर्व जन्म देखा है या फिर आप हमें उसके बारे में बताएंगे, तो मुझे लगता है कि वो समय नज़दीक है कि मैं आपको सारी घटनाएं आपको बताऊं और सच्चाई के साथ बताऊं और साथ में पूरे सबूत के साथ बताऊं। देखिए, जिस जगह से मैं ऑनलाइन आऊंगा वो जगह मैंने आपको पहले भी बता दी है और जिन्होंने वीडियो देखी है उनको पता भी है। आप ये समझ लेना, समझ क्या लेना कि वो तो है ही 100%, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, दोहराया है ही नहीं कुछ भी, वो मेरा पूर्व जन्म का ही स्थान है। और यही मेरी प्रतिज्ञा थी, प्रण था मेरा कि मैं वहीं से ऑनलाइन हूं, ऑनलाइन आपके सामने आऊंगा तो वहीं से आऊंगा। हाँ, वो बात अलग है कि टाइम लग गया, बहुत टाइम लगा है, कुछ सदगुरुदेव की इच्छा ही ऐसी थी, क्योंकि वास्तविकता ये है कि बहुत ज़्यादा जो इसमें टाइम लगा वो इस वजह से लगा कि काफ़ी ज़्यादा ये क्रिटिकल, यानी कि मतलब कि एक तरीके से समझिए कि कहते ना कि जो जैसे कि आप कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे एक भय पैदा होता है,
भयानक चीजें वहां पर हैं, वो ऐसी ही जगह है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर खैर थोड़ा टाइम लगा, और आपकी शायद इच्छा भगवान की कृपा से, गुरुदेव गुरुदेव की कृपा से आपकी इच्छा वो पूर्ण होगी जरूर। और आप ये जरूर समझना कि मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं कि जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी बड़ी हो, लंबे लंबे बाल हो, या माथे पर त्रिपुंड लगा हो, भगवे वस्त्र पहने हो, या फिर गले में बड़ी बड़ी मालाएं लटकी हुई हो। ऐसा कोई मेरा स्वरूप नहीं है। आप मुझे देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि भाई ये व्यक्ति वही हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक सादा सा पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति हूं। मेरे गले में आपको एक माला भी नहीं मिलेगी। माला गले में पहनने से, या बाल लंबे करने से, या फिर लंबे लंबे टीके लगाने से कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। कोई किसी प्रकार का उसके अंदर कोई आध्यात्मिक गुण नहीं आता है। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि जो क्रिमिनल हैं, पता नहीं कितने कितने लोगों की हत्याएं करने के बाद, और वो साधु संन्यासी बनकर के अपना वेश बना करके छुपा छुप करके बैठे हैं। वो वेश भर रखा है उन्होंने बचने के लिए। तो क्या आप उनको साधु मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। साधुता तो व्यक्ति के जीवन में होती है, उसके आचरण में होती है। जो साधु है वो अपने आचरण से साधु होना चाहिए उसको। बाल बढ़ाने से अगर भगवान मिलते तो सबसे पहले तो स्त्रियों को मिलते, जिन्होंने कभी बाल ही नहीं कटवाते जल्दी से, बाल बढ़ा बढ़ा करके रखते हैं लंबे लंबे, पूरा जीवन निकल जाता है बाल नहीं कटाते। खैर अब तो कटाने भी लगे हैं, बहुत सी स्त्रियां कटवाती भी हैं, लेकिन फिर भी कहा तो यही जाता है। और वस्त्र धारण करने से अगर भगवान मिलते, या बिना सिला वस्त्र लंबे लंबे जो धोती वगैरह पहनते हैं उनसे भगवान मिलते, तो भाई वो भी स्त्रियों को ही मिलते। 5 मीटर की, कब 5.5 मीटर की साड़ी लपेट के रहती हैं, वो भी धोती पहन के रहती हैं, और पूरे जीवन भर पहनती हैं। खैर आपको देखने से नहीं लगेगा कि मैं एक बहुत ही साधारण सिंपल व्यक्ति हूँ, बहुत साधारण सिंपल। जैसे आपने मेरे गुरुदेव देखे वैसा ही आप मुझे देख लेना बस। क्योंकि ना कभी माथे पर टीका, हाँ हो सकता है कि माथे पर टीका तो खैर लगा हुआ होगा, लेकिन कोई मालाएं वालाएं लंबी लंबी और ये सब ढकोसला मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, खैर ये सब चीज़ें मैंने बता दी, बहुत वीडियो लंबी हो गई है, काफ़ी टाइम लग गया। अब बात आती है कि आपको इसके बारे में बताने की कि भाई अप्सरा साधना में ऐसा क्यों होता है कि जल्दी से अनुभव रुक जाते हैं। तो देखिए कारण क्या होता है कि जब हम कोई अप्सरा साधना करते हैं हमें अनुभव बहुत अच्छे से प्राप्त होते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वहां पर अनुभव हमारे रुक जाते हैं। क्यों? देखिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर कोई लड़की है और आपका उससे प्रेम हो गया, अब आप रोज छिप छिप करके मिला करते हैं, ऐसा होता है जीवन में, ऐसा होता है बहुत से व्यक्तियों के साथ होता है कि वो रोज छिप छिप करके मिलते हैं, प्यार की बातें करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब दोनों के घर वालों को पता लग जाता है। अब जब तक आप चोरी चोरी छुपे छुपे मिल रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब घर वालों को पता लग जाएगा तो क्या होगा? लड़की को कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा, घर वाले खुद पहरा देना शुरू कर देंगे, हो सकता है कि लड़के वाले को जो लड़का है उसके सामने कोई धमकी भी पहुंच जाए कि अगर तूने हमारी लड़की से बात करने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे, या हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, आपको डराएंगे भी धमकाएंगे भी, ऐसा होता है। और अगर कोई स्त्री है किसी की, मान लिया कि किसी की बीवी है और वो अपने पति को छोड़ करके
किसी दूसरे से प्रेम करने लगे तो क्या होगा? या तो पति उसको कमरे के अंदर बंद करेगा, पति उठा करके उस प्रेमी को भी जो है खरी खोटी सुनाएगा, उसको भी जो डराएगा धमकाएगा। तो देखिए यही सब होता है अप्सरा यक्षिणी गंधर्व इन साधनाओं में। क्यों? क्योंकि अप्सरा जो होती है वो गंधर्व कन्या ही है। अप्सरा गंधर्व कन्या होती है और जो गंधर्व होते हैं वो इस कार्य में बाधक होते हैं। क्योंकि देखिए अप्सरा आई, आपको अनुभव दिए, आपके साथ में खूब उन्होंने, आपने पूजा की, तपस्या की और उनके अनुभव भी बहुत अच्छे प्राप्त हुए। वो आना तो चाहती है, आपसे वो मिलना चाहती है, वो आपकी प्रेमिका है या मित्र है, वो आपके साथ में आपके टच में रहना चाहती है, उसकी इच्छा है स्वयं की, लेकिन गंधर्वों की इच्छा नहीं है। गंधर्व वही एक तरीके से माता पिता होंगे और या पति होंगे, तो वो क्यों चाहेंगे कि उनकी बेटी या उनकी स्त्री आपके पास जाए या किसी दूसरे से प्रेम करे? वो क्यों चाहेंगे? इसलिए वो बीच में खड़े हो जाते हैं आकर के, वो गंधर्व बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं और वो अप्सरा पर रोक लगा देते हैं कि आपको नहीं जाना है, उसको बांध लेते हैं वहीं पर, वो आपके पास नहीं आ पाती है। और फिर आप कितनी भी पूजा करो, कितनी भी साधना करो, लास्ट में क्या होता है कि आपके पास अनुभव आने बंद हो जाते हैं। अगर अनुभव आते भी हैं तो वो एक ऐसे डरावने अनुभव आते हैं, ऐसी डरावनी आपके सामने आवाजें या इस तरीके से आती हैं कि आप विचलित हो जाते हैं। होता कौन है? वो गंधर्व होते हैं, जिससे कि आप उन अप्सरा की पूजा उपासना छोड़ दो। वो आपको डराने धमकाने आते हैं, मारने तो नहीं आते लेकिन डराने धमकाने जरूर आते हैं। वो गंधर्व होते हैं क्योंकि उन्होंने अप्सरा को तो रोक लगा करके रोक लगा दिया है और आप जो है खुद आते हैं और साधक को एक तरीके से डराते धमकाते हैं। अब अप्सरा तो वहां पर रुक गई तो अनुभव कहां से आए? अनुभव आना बंद हो गई। लेकिन अब इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है कि अप्सरा साधना में गंधर्व की पूजा भी करनी चाहिए। गंधर्व जैसे हम भैरव जी की पूजा करते हैं या फिर कोई और दूसरी पूजाएं करते हैं, साथ में भगवान शिव की करते हैं, तो गंधर्व पूजा भी हमें करनी चाहिए। अगर हम गंधर्व पूजा या कुबेर पूजन करते हैं और उनसे अगर हम आज्ञा लेते हैं कि भाई हम इस अप्सरा की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मित्र रूप में यह हमारे पास आए और हमारे साथ हमारा जीवन में हमारे जीवन में साथ रहे और हमें आगे बढ़ाए, इनका पूरा सहयोग हमें मिले, आप उन्हें आज्ञा दीजिए और हमारा जो निवेदन है वो स्वीकार कीजिए आप, और उनका पूजन करके फिर आपको अप्सरा साधना करें, तो उसमें क्या होगा कि आपको गंधर्वों का, उनके जो जिनके संरक्षण में ये रहती हैं, उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और उनकी अनुमति भी मिल जाती है, जिससे कि अप्सराओं का फिर दोबारा से आना शुरू हो जाता है, वो रोक नहीं पाते फिर उनको। क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि यहां कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आपको, अगर आप उनसे प्रार्थना करोगे तो वो आपको लाठी मारेगा। यहां पर दैव्य शक्तियां हैं जिनको कि आप हाथ जोड़ करके, पूजा उपासना करके, अनुन्य विनय करके आप उनको अपने अंडर में कर सकते हैं। क्योंकि ये वो परम दिव्य शक्तियां होती हैं कि जिनकी पूजा करने से ही वो आपके अंडर में आएंगी,
और आपको अनुमति भी प्रदान करेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो अनुमति नहीं देंगी, अनुमति वो देंगी, लेकिन पहले आपको उनकी भी पूजा करनी होती है। तो अप्सरा साधना में गंधर्व साधना का भी विशेष महत्व है। गंधर्व साधना भी अगर आप करते हैं तो उसमें से भी आपको लाभ मिलता ही मिलता है। अब कई चीज़ें क्या होती हैं, कई चीज़ें तंत्र की ऐसी होती हैं कि गंधर्वों को बांध दिया जाता है। कैसे? तंत्र विद्या के द्वारा, जिससे कि गंधर्व बंद करके रह जाते हैं, अप्सरा का रास्ता क्लियर हो जाता है, तो वो नहीं रुक पाती है। इसलिए अप्सरा साधना में गंधर्वों की पूजा भी की जाती है और करनी भी चाहिए, कुबेर पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि कुबेर एक यक्ष हैं और यक्षिणियां उन्हीं के अंडर में हैं। भगवान शिव की पूजन करके, हाँ ऐसा भी है कि अगर आप संकल्प लेकर के भगवान शिव का समलक का अनुष्ठान करते हैं कि मैं ये अप्सरा साधना या ये यक्षिणी साधना कर रहा हूँ, और इस साधना में अगर किसी प्रकार की भी कोई भी अड़चन आए प्रत्यक्षीकरण में, तो मेरी भगवान शिव से विनती है कि उस समस्या का समाधान करें, और जो शक्ति बीच में आकर के अप्सरा को रोकने की कोशिश करे उस शक्ति से बचाव करें और मेरी साधना सफल हो। अगर ऐसा संकल्प लेकर के भगवान शिव की उपासना करते हैं आप, तो 100% भगवान शिव आपकी उसमें सहायता करते हैं, और वो ना तो गंधर्वों को, मतलब कि गंधर्वों को किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य करने देंगे जिससे कि अप्सरा आपके पास आने से रुके। वो गंधर्वों को वही रोकेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने भगवान शिव से प्रार्थना की है। अब बात वही आ जाती है कि पहले राक्षस लोग क्या करते थे। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हर व्यक्ति साधना करने वाला राक्षस होता है, मतलब कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। राक्षस लोग क्या करते थे कि पूजा उपासना करते थे भगवान शिव की, वरदान प्राप्त कर लिया, और वरदान में भी कई कई ने तो ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि जब भी मुझ पे कोई मुझे कोई मारने आएगा तो भगवान शिव आप मेरी रक्षा करने आओगे। तो अब होता क्या था कि वो ना तो ब्रह्मा जी से डरे, ना विष्णु जी से डरे, और ना वो इंद्र से डरे, उन पर आक्रमण कर दिया करते थे। अगर वो मारने की कोशिश करें तो भगवान शिव को याद कर लिया, तो भगवान शिव सहायता के लिए सामने आकर के खड़े हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ था। तो ऐसे बहुत सी ऐसी जगह, ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण आए हैं, ऐसी मान्यताएं भी हैं कि ऐसा होता है। तो इसलिए ये भी एक उपाय है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर गंधर्वों की भी पूजा करके आप उनको रोक सकते हैं, कुबेर की भी पूजा, क्योंकि जब आप उनकी पूजा करोगे ना और आप उनसे विनती करोगे कि भाई अप्सरा को आने दो आप, तो वो नहीं रोकेंगे, क्योंकि आप स्वयं उनकी पूजा कर रहे हो, उनकी भी तो मान्यता कर रहे हो ना, तो इसलिए फिर वो रोक नहीं पाएंगे किसी भी कीमत में, क्योंकि आप भी तो उनके भक्त हो गए, तो अपने भक्त के पास कैसे रोक सकते हैं वो। तो इसलिए अप्सरा साधना में ये पूजन भी एक महत्व रखता है, इसलिए हमें वो भी करना चाहिए। ठीक है, इतना ही बताने का इस वीडियो में मेरा आपको उद्देश्य था। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।